वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो में देखेंगे केज कल्चर, केज कल्चर क्या होता है और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो केज कल्चर है, सबसे पहले प्रैक्टिस किया गया था कंबोडिया में प्रैक्टिस किया गया था, फिर इसके बाद से बाकी कंट्री में फैला था। ठीक है, तो कहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है ये केज कल्चर, कहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है केज कल्चर, सबसे जान लेते क्या है। केज कल्चर में ये होता है कि फिश को रियर किया जाता है, यानी कि उसको ग्रोन अप किया जाता है एक केज जैसे स्ट्रक्चर में। कुछ ऐसा केज जैसा स्ट्रक्चर बना होता है, उसमें फिश को रियर किया जाता है। केज जैसा स्ट्रक्चर, ऊपर से फ्लोटिंग बॉडी लगी रहती है यहाँ पे, और यहाँ पे सिंकर लगा रहता है। तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बने रहते हैं, इसमें फिश को रियर किया जाता है, ग्रो किया जाता है। तो इनमें फिश को ग्रोन करना केज कल्चर कहलाता है। कहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है, तो प्रैक्टिस किया जाता है फ्लोइंग वाटर बॉडीज में। फ्लोइंग वाटर बॉडीज होती हैं उसमें प्रैक्टिस किया जाता है, और जो लार्ज वाटर बॉडीज हैं उनमें प्रैक्टिस किया जाता है, जैसे रिवर हो गया, लेक हो गया, इस तरीके से जो है उनमें प्रैक्टिस किया जाता है। तो इसके जो शेप है, जैसे कि आप देख सकते हो कि आप स्क्वायर शेप का केज बना हुआ है, तो इसके शेप भी बहुत सारे होते हैं। तो बहुत सारे में आप देख सकते हो, इसका स्क्वायर शेप है, एक स्क्वायर शेप, एक रेक्टेंगुलर शेप का होता है, और थर्ड है सर्कुलर शेप। तो जो जनरली फाउंड किए जाते हैं, जैसे जो पाए जाते हैं, वो है स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप ज़्यादा यूज में आते हैं। साइज इसके बहुत सारे हैं, मतलब कि 40 मीटर क्यूब से 10,000 मीटर क्यूब तक के इसकी साइज आती है। और जो लार्जेस्ट साइज है आपका, आप देख सकते हो 10,000 मीटर क्यूब है लार्जेस्ट साइज। जो प्रैक्टिकल साइज है इसके जो यूज होते हैं, वो है 20 से 60 मीटर क्यूब, जो प्रैक्टिकल साइज के यूज होते हैं। स्मॉलेस्ट साइज, सबसे छोटा साइज इसका 1 मीटर क्यूब का है, जिसमें आप फ्राई या फिंगरलिंग, जो छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं, फिंगरलिंग को ग्रो अप किया जाता है। जो ईयरली जियोनाइड स्टेज की जो मछलियाँ हैं उनको ग्रो किया जाता है। अब इसके में टाइप ऑफ केज, कितने टाइप के होते हैं केज, तो टाइप ऑफ केज में आप जान सकते हैं यहाँ पर टाइप ऑफ केज, तो चार तरीके के केज होते हैं। टाइप ऑफ केज में चार तरीके जो है, फर्स्ट है फ्लोटिंग केज जो पानी में तैरता रहेगा, फ्लोटिंग केज। उसके बाद से सेकंड है फिक्स्ड केज। थर्ड है सबमर्ज केज, जो पानी में डूबा रहेगा, सबमर्ज केज। एंड फोर्थ है मूवेबल केज, जो कि मूव करता रहेगा, वो मूवेबल केज कहलाता है। तो फ्लोटिंग केज, इसमें फ्लोटिंग यूनिट्स लगे रहते हैं, ऊपर गुब्बारे जैसा कुछ प्लास्टिक का या फिर वुडन का स्ट्रक्चर लगा रहता है, तो वो फ्लोटिंग केज कहलाता है, जो पानी में तैरता रहता है। और इसकी जो बॉडी है फ्लेक्सिबल होती है इसकी, फ्लोटिंग केज की। जो फिक्स केज है, जनरली ये जो फास्ट फ्लोइंग वाटर बॉडी होती हैं वहाँ पे लगे रहते हैं, और ये रिवर में भी लगा रहता है, क्योंकि रिवर के जो पानी है जो फ्लो करता है वो बहुत तेज गति से फ्लो करता है, तो इसलिए यहाँ पे फिक्स केज यूज होता है, ताकि जो उसका जो जगह है चेंज ना हो। अदरवाइज आप क्या बोलते हैं, यहाँ पे रिवर है, आप जो केज लगाए हो यहाँ पे लगाए हो, पानी में तैर के चला गया यहाँ पे, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा नुकसान होगा। तो इसलिए यहाँ पे फिक्स केज यूज होता है। तो इसका जो बॉटम है नीचे, उसमें जमीन में एक तरीके से फिक्स कर लिया जाता है रिवर के। तो इस तरीके से आपका फिक्स केज हो गया। सबमर्ज केज क्या है? सबमर्ज केज ऑफ शोर रीजन ऑफ सी यहाँ पे लगाए जाते हैं। मूवेबल और सबमर्ज केज जो हैं यहाँ पे समुद्र के जो किनारे वाले जो रीजन है वहाँ पे लगाए जाते हैं। मूवेबल के फायदे हैं कि आप एक जगह से दूसरी जगह जब आपको ज़रूरत हो मूव कर सकते हो। तो इस तरीके से आपके टाइप ऑफ केज हो गए, फ्लोटिंग, फिक्स, सबमर्ज एंड मूवेबल केज। कौन कौन से सूटेबल साइट है जहाँ पे आप केज को लगा सकते हो? जो सूटेबल साइट होते हैं वो है, जैसे कि वैसा जगह जहाँ पे पानी हमेशा फ्लो करता रहे, तो फ्लो करते हुए पानी वाले इलाके में वहाँ पे लगा सकते हो, और ताकि एरिएशन वहाँ का बढ़िया से हो, पानी में एरिएशन हो और उसका पानी चेंज होता रहे, ताकि जो गंदगी इकट्ठा होती है उस केज में वो क्लीन होती रहे। तो इस तरीके से फ्लो करते हुए वाटर बॉडीज में जनरली इसको प्रीफर किया जाता है। कोल्ड क्लाइमेट में अगर आप लगा रहे हो, केज कल्चर कर रहे हो, तो वहाँ पे ढूंढा जाए कि वहाँ पे गर्म पानी का फ्लो हो। तो कोल्ड क्लाइमेट में कौन सी एरिया प्रीफर किए जाते हैं? तो यहाँ पे वो एरिया प्रीफर किए जाते हैं जो कि हीटेड वाटर
रिसीव करता है, हीटेड वाटर रिसीव करता है। अब हीटेड वाटर रिसीव करेगा वो एरिया, तो इसका बेनिफिट ये होता है कि जो टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा तो वहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है, वहाँ की जो ग्रोथ है, अल्टीमेटली जैसे कि ग्रोथ है एक्सेलरेट होगा, प्रोडक्टिविटी जैसे कि वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो ग्रो करेंगी। और जब ग्रो करेंगी तो वहाँ पे जैसे फिश खाएगी तो फिश भी ग्रो करेगी, और जब फिश ग्रो करेगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी ग्रो करेगी। तो इस तरीके से वो कोल्ड क्लाइमेट में हीटेड वाटर जहाँ पे ज़्यादा आता है या जो रिसीव करता है उस एरिया में प्रीफर किया जाता है, ना कि ठंडे पानी में। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सुटेबल साइट हो गए केज कल्चर के लिए, केज फॉर्म के लिए। प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल एम क्या है इसका, प्रिंसिपल एम क्या है केज कल्चर का, प्रिंसिपल एम। तो इसका जो एम है ये मोनो कल्चर को प्रमोट करता है। किसको? मोनो कल्चर को प्रमोट करता है। मोनो कल्चर यानी कि एक सिंगल फिश स्पीसीज को आप ग्रो कर सकते हो, चाहे वो आपका जैसे कि मुरेल को आप ग्रो करना चाहो तो एक केज में ग्रो कर दोगे। तो इस तरीके से एक मोनो कल्चर को ये प्रमोट करता है, एक सेलेक्टेड स्पीसीज को आप ग्रो कर सकते हो, तो ये इसका मेन एम है। अब केज कैसे डिजाइन किया जाता है, जो मटेरियल डिजाइनिंग ऑफ केज, डिजाइनिंग कैसे की जाती है केज की, तो जो इसका फैब्रिकेशन है, फैब्रिकेशन के लिए जो मटेरियल यूज होता है वो फैब्रिकेशन के लिए जो मटेरियल यूज होता है वो वैरी करता है। किस पे वैरी करता है? कि बॉडी जो इसका, जैसे केज का जो बॉडी है वो कैसा है, किस चीज़ का बना हुआ है, सिंकर क्या है, फ्लोट क्या है, इस तरीके से जो भी चीज़ें हैं उसके इसके स्ट्रक्चर पे वैरी करता है। क्या जी? फैब्रिकेशन, कौन सा मटेरियल यूज किए गए हैं। देखो यहाँ पे फ्लोटिंग मटेरियल में आप यूज कर सकते हो, क्या चीज़ यूज कर सकते हो फ्लोटिंग मटेरियल में, आप यूज कर सकते हो प्लास्टिक, प्लास्टिक वुडन चीज यूज किया जा सकता है, ETC। जो हल्की चीज़ें होती हैं वो जनरली यूज किया जाता है फ्लोटिंग मटेरियल में। तो ये फ्लोटिंग बॉडी है, नेम कल यहाँ पे लिख लेते हैं फ्लोटिंग मटेरियल। ठीक है, उसके बाद से ये जो फ्रेम है तो ये आपका हो सकता है कि गैल्वेनाइज आयरन का हो सकता है, गैल्वेनाइज आयरन का हो सकता है, आयरन का, या फिर ये हो सकता है HDPPP का, ऐसे प्लास्टिक का बना होता है ये फ्रेम, ये वाला फ्रेम इसका बॉडी। ठीक है, और ये है सिंकर, सिंकर सिंकर जो कि भारी होता है और इसको एक पोजीशन पे बनाए रखता है सिंकर। ठीक है, तो सिंकर है ये। सिंकर में क्या हो सकता है? क्ले हो सकता है, कंक्रीट हो सकते हैं, पत्थर हो सकते हैं कंक्रीट, और या फिर ब्रिक होगा या फिर स्टोन भी हो सकता है। तो जी वो चीज़ें लगाई जाती हैं सिंकर के लिए जो कि भारी हो, उसको एक पोजिशन में बनाए रहो। और जो नेट है, जो जाली यूज की जा रही है इसके लिए, तो जो जाली यूज की जाती है वो है, या फिर वो नायलॉन का बना हो सकता है, नायलॉन का बना हो सकता है। ठीक है, तो जो जाली यूज होती है नायलॉन की बनी हो सकती है, या ये क्नॉटेड भी हो सकती है, क्नॉटेड या फिर क्नॉटलेस हो सकती है। ये उस पे निर्भर करेगा कि आप किस चीज़ कैसी फिश को ग्रो करना चाहते हैं, छोटी छोटी फिश को या फिर बड़ी फिश को ग्रो करना चाह रहे हो। तो फिश के साइज पे ये निर्भर करता है कि क्नॉटेड हो या कि नॉट क्नॉटेड हो। ठीक है, तो नायलॉन का यहाँ पे नेट बना हुआ है। देखो कुछ जो केजेस होते हैं बम्बू के भी बने होते हैं, तो जैसे यहाँ पे बम्बू का केज बना हुआ है। किसका बना है? बम्बू का केज बना हुआ है। इसे पूरे ऊपर से नीचे तक पूरे बम्बू के रॉड लगाए गए हैं, और इसमें देखो खाने के लिए एक अटैचमेंट बॉक्स लगाया गया है जिसमें फूड डाल दिया जाता है और फिर जो फिश है फीड करती है। तो इस तरीके से बम्बू का केज बना हुआ है, तो आप ये यूज किया जाता है। तो इस तरीके से केज के डिजाइन हो गए। ठीक है, अब कौन कौन सी फिश स्पीसीज ग्रो की जाती हैं, तो जनरली इंडिया में ज़्यादा रिस्पॉन्स आपका मिलेगा कैट फिशेस का। तो कैट फिशेस में जो कि माइटस है, माइटस स्पीसीज, क्लेरियास है, मुरेल है, क्लाइंबिंग पर्च है, कार्प है, तो इन सबको अगर आप केज कल्चर में ग्रो करोगे तो आपको बढ़िया प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, इसकी स्टॉकिंग डेंसिटी क्या है कि कितने एरिया में कितना फिश ग्रो कर सकते हो, तो इसका कोई स्टैंडर्ड ज़्यादा सेट नहीं किया गया है, और जितना मन करे उतना ग्रो कर सकते हो। तो स्टॉकिंग डेंसिटी ज़्यादा माना गया है, जनरली स्टॉकिंग डेंसिटी वो है 75 से लेके 300 फ्राई
पर मीटर क्यूब, ठीक है, तो इतना स्टॉकिंग डेंसिटी होती है, ठीक है। और जनरली इसमें 1.5 से 2.5 इंच के फिशेस ग्रो की जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका स्टॉकिंग डेंसिटी हो गया। जो इंडिया में कार्प का जो स्टॉकिंग डेंसिटी है, इंडिया में जो कार्प का स्टॉकिंग डेंसिटी है वो 260 कुछ है, ठीक है। तो स्टॉकिंग डेंसिटी हो गया। अब क्या चीज़ खिलाया जाए फिश को, क्या चीज़ फीड किया जाए, तो फीड करने के लिए आप आर्टिफिशियल फूड खिलाया जाता है इनिशियल में। तो आर्टिफिशियल फूड में जैसे राइस ब्रैन हो गया, राइस ब्रैन, सोयाबीन और जो फिश मील होते हैं मार्केट में अवेलेबल अवेलेबल होते हैं, ये सब चीज़ें फीड की जाती है फिश को, ठीक है। तो अब इसको देखो, जैसे जब इसको पहले ग्रो किया गया था, तो जब मान लो कि आप इसे इन्हीं से जनवरी फरवरी में फिश को ग्रो कर रहे हो, ठीक है, तो 9 से 9 या 11 महीने, 9-10 महीने तक आप उसको ग्रो करोगे, फिर उसके बाद से उसको हार्वेस्ट कर लोगे फिश को। तो इस तरीके से आपका जो है हार्वेस्टिंग का होता है, गैप जो होता है 9 से 9-10 महीने का होता है। तो क्या है इसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला एडवांटेज है कि मैक्सिमम यूज होता है ऑफ ऑल रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्स अवेलेबल है वहाँ पे यूज हो जाते हैं। इकोनॉमिक यूज ऑफ वाटर, वाटर का पूरी तरीके से यूज होता है। रिड्यूस करता है प्रेशर लैंड रिसोर्स पे, जो जो लैंड रिसोर्स है उसका प्रेशर कम कर देता है। सेवरल टाइप ऑफ कल्चर इन वन वाटर बॉडीज, एक वाटर बॉडीज में आप कई तरीके के कल्चर कर सकते हो, मतलब कई तरीके के मछलियाँ ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद से जो है कि कंपटीटर को कंट्रोल करता है, जैसे कि बाहरी मछलियां हैं वो अंदर नहीं आ सकती, तो उस तरीके से कम वो करता है, रिड्यूस करता है मोर्टालिटी, जैसे कि फिश जो मछलियां हैं कम मरेंगी। और इसके बाद से जो जैसे कि इन्फेक्शन है उसको भी रिड्यूस करता है। तो ये इसका कुछ एडवांटेजेस हैं, बहुत सारे हैं। वैसे डिसएडवांटेजेस में ये है कि यहाँ पे नेविगेशन को डिफिकल्ट बना देता है, क्योंकि ये केज है, एरिया ऑक्यूपाई करता है, तो जब एरिया ऑक्यूपाई करेगा तो बाकी जो चीज़ें हैं आ जा नहीं सकेंगी। तो इस तरीके से नेविगेशन को डिफिकल्ट कर देता है, इंक्रीज कर देता है सेडिमेंटेशन, ओवर ग्रेज करती है, जैसे मछलियाँ अगर एक ही जगह ग्रो की जाएंगी तो वहाँ पर जो अलगी है, अलगी का पॉपुलेशन है वो ओवर ग्रेज की जाएंगी, किसके द्वारा, मछलियों के द्वारा। तो ये ओवर ग्रेज करते हैं अलगल पॉपुलेशन को, एडवर्सली अफेक्ट करता है वाटर की क्वालिटी को, कैसे, क्योंकि जैसे मछलियाँ खा रही हैं और जो नहीं खाना खाया जाता है तो वो पूरे पानी में जाता है, पानी में जैसे कि जो केज है वाला पानी है उस पानी में जाता है, और जो जैसे कि जो फिकल मटेरियल जो है वो भी उस वाटर में इकट्ठा होता है। तो उस तरीके से पानी है वहाँ का पूरा गंदा हो जाता है जो वहाँ की। और अगला डिसएडवांटेज है कि वहाँ की जो मछलियाँ हैं, जो वहाँ पे लोकल फिशेस हैं, उनके बिहेवियर को कहीं ना कहीं ये डिस्टर्ब करता है केज कल्चर। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं।